नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। मध्य प्रदेश के कटनी में निर्मित हो रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण के लिए अलग अलग शहरों और गांवों से लोग मजदूरी करने आए हैं। इसी निर्माण कार्य में मजदूरी करने वाले एक मजदूर युवक की लाश मिक्सर मशीन में पड़ी मिली है। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ से आए बौद्ध राम के रूप में हुई है, जो कटनी में आकर प्रधानमंत्री आवास योजना में मजदूरी कर गुजर बसर कर रहा था। जिसकी हत्या कर लाश को मिक्सर मशीन में डाल दिया गया था। सूत्रों की माने तो पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया है। बताया गया है कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। एनकेजे थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण कर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। वारदात का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कटनी में निर्मित हो रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण के लिए अलग अलग शहरों और गांवों से लोग मजदूरी करने आए थे, जिसमें निर्माण करने वाले एक मजदूर की हत्या कर दी गई है, जिसकी लाश मिक्सर मशीन में पाई गई है। दिनांक 10 तारीख को सूचना मिली कि प्रेमनगर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वहाँ पे जहाँ ब्रिक्स बनते हैं, एक संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल पर आकर के देखा तो आसपास लोगों से पूछताछ की, जो उनको जानते थे, इनके साथ में लेबर थे, काम करते थे, बोध राम जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ठीक है। डेड बॉडी देख के उसमें अभी जांच आगे अपन कर रहे हैं, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है बॉडी को देखते हुए? अभी हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, जाँच का विषय है। जाँच में जो भी चीज़ें आती हैं हम आपको अवगत कराएंगे। बॉडी में कोई निशान या ऐसा कुछ? डेड बॉडी मिक्सर मशीन में मिली थी, तो काफ़ी हाँ काफ़ी गांव उसका पीएम हो गया, पीएम रिपोर्ट अब प्राप्त होती है, तो उसके बाद आप कुछ बता पाएंगे इस विषय में।